ओके तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बताया था कि भाई एक हकाई टीवी के जैसा एक गेमिंग थंबनेल एडिटिंग लेके आओ। तो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ एकदम हकाई टीवी के जैसा एक गेमिंग थंबनेल एडिटिंग लेके। तो उसके चैनल पर तो बहुत सारा गेमिंग थंबनेल है, तो उन सभी को एडिटिंग करना तो इम्पॉसिबल है, बट मैं आपको एक एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो इस थंबनेल एडिटिंग को अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो इसके बाद हकाई टीवी के चैनल पर जितने भी थंबनेल है उन सभी को एडिटिंग करना आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो इस थंबनेल एडिटिंग को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से थंबनेल एडिटिंग सीख जाएंगे। तो एंड तक देख लेना अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो। और इस वीडियो को लास्ट में एक बोनस टिप बताऊंगा कि आप कैसे एक वीडियो को देख के एकदम परफेक्ट एडिटिंग करना कैसे सीखेंगे, ठीक है? ओके तो गाइस, चलो फिर बिना किसी देरी के एडिटिंग को हम शुरू कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहले तो आपको PSSC एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपका मोबाइल में PSSC एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो PSSC एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना है, ठीक है? देन इसके बाद यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये वाला थंबनेल बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है? इसके बाद आपको इफेक्ट आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लर पर क्लिक कर देना है और इसकी ब्लर की अमाउंट को हल्का सा कम कर देना है, ठीक है? तो इसकी ब्लर के अमाउंट को मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? तो बैकग्राउंड को ब्लर करने के बाद एम्प्टी लेयर पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। देन इसके बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है और फोटो लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको एक PNG बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। तो आपको ये वाला PNG डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है? देन इसको बड़ा कर देना है एंड इसको इस साइड पर ऐड कर देना है जहाँ पर आप अपने करेक्टर PNG को ऐड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करके यहाँ से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? एंड राइट क्लिक करने के बाद दोबारा से पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं प्लस आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ से मैं डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके इसके डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? एंड इसके बाद इसको क्लोज करके ऊपर एंड आइकन पर क्लिक करके यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ, यानी कि डुप्लीकेट लेयर को, ठीक है? देन इसके बाद यहाँ से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ नीचे से। ओके तो इन दोनों के ऊपर हम अपने करेक्टर PNG को ऐड करेंगे। तो इसके लिए लेयर आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके इसके बाद फोटो लेयर पर क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना है और अपने करेक्टर PNG को ऐड कर देना है, ठीक है? और इस तरफ के करेक्टर के PNG को जैसा मैं ऐड कर रहा हूँ आप लोग ऐसे ही सेम टू सेम राइट साइड के PNG को भी ऐड कर देना है, ठीक है? ओके तो गाइस, PNG को ऐड करने के बाद अपने PNG के बाहर साइड से लाइट ग्लो इफेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ऊपर आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट पिक्सल पर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो सेलेक्ट पिक्सल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एम्प्टी लेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेना है। और एम्प्टी लेयर को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर एंड पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर टाइप पर क्लिक करके स्ट्रोक पर क्लिक कर देना है, ठीक है? देन इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा करेक्टर PNG के बाहर साइड पर व्हाइट वाला बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद ऊपर आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट आइकन पर क्लिक कर देना है, तो ये छोटा सा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके तो इसके बाद आपको साइड पर एक बार क्लिक करके डिसलेक्ट कर देना है। अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको डिसलेक्ट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा डिसलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको इफेक्ट आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ग्लो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? एंड ग्लो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद कलर आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू कलर है तो यहाँ से आप लोग लाइट ब्लू सेलेक्ट कर देना है एंड अगर आपका येलो कलर बैकग्राउंड है तो आप लोग लाइट येलो कलर सेलेक्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है? तो फिलहाल तो मेरा ब्लू कलर है तो मैं लाइट ब्लू सेलेक्ट करके यहाँ से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। ओके तो इसके बाद फिर से इफेक्ट आइकन पर क्लिक करके ग्लो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कलर आइकन पर क्लिक करके आपको ये वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और इस बार आपको अपने बैकग्राउंड के कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? और सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको HSB पर क्लिक करके इसकी ब्राइटनेस को पूरा 100 कर देना है एंड इसके बाद इसके ब्लर के अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो ब्लर आइकन पर क्लिक करके इसके ब्लर के अमाउंट को मैं 30 के आसपास रख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? और इसके बाद फिर से इफेक्ट आइकन पर क्लिक करके ग्लो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड इस बार आपको ब्लर ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ब्लर की ओपेसिटी को 60 रख देना है
ओके तो गाइस यहाँ पे हमारा डन हो गया है, तो नीचे से राइट क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद एम्प्टी लेयर को ओपन करके छोटा वाला एम्प्टी लेयर पर क्लिक कर देना है, यानी कि ये वाला आइकन पे। एंड इसके बाद यहाँ से नॉर्मल की जगह इसको एड पर रख देना, यानी कि लीनियर डॉज पर, ठीक है। ओके तो इसके बाद अपने करेक्टर पीएनजी के ऊपर साइड एरिया और नीचे साइड एरिया के ग्लोइंग पैड को हटा देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऊपर एंड आइकन पर क्लिक करना है, और एंड आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फेद ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो फेद ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे पर कलर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना है, एक तरफ में पीएनजी है और एक तरफ में कलर है। तो जैसा कि मैं ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे साइड पर कलर है और ऊपर साइड पर पीएनजी है। तो आपको इसी तरीके से इसकी लाइन को ऊपर साइड पर ऐड कर देना, जिससे ऊपर साइड का पीएनजी यानी कि ग्लोइंग पैड रिमूव हो जाए, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे से राइट क्लिक करके फिर से आपको वही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड फेद ऑप्शन पर क्लिक करके इस बार आपको नीचे साइड का पीएनजी होना चाहिए और ऊपर साइड का कलर होना चाहिए। तो आपको सेम इसी तरीके से इसको सिलेक्ट कर देना है। तो ये मैं ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन पर क्लियर देख सकते हैं, ऊपर साइड पर कलर है और नीचे साइड पर पीएनजी है। तो सेम आपको इसी तरीके से इसको यहाँ पे बैठा देना है, ताकि नीचे साइड का ग्लो इफेक्ट रिमूव हो जाए, यानी कि पीएनजी में कन्वर्ट हो जाए। ओके तो यहाँ पर हमारा डन हो गया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से करेक्टर के ऊपर लाइट ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद आपको अपने करेक्टर पीएनजी के ऊपर और थोड़ा सा लाइट क्रिएट करना है, जिससे अपने करेक्टर के ऊपर एकदम पीसी से बना हुआ जैसा लाइट इफेक्ट क्रिएट हो जाए। इसके लिए आपको एम्प्टी लेयर को ओपन करके प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोटो लेयर पर क्लिक कर देना है, एंड फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करके एक लाइट पीएनजी को ऐड कर देना है। ओके तो पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको एम्प्टी लेयर पर क्लिक करके आपको ये वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से नॉर्मल की जगह लीनियर डॉज पर क्लिक कर देना है, यानी कि ऐड पर रख देना है इसको, ठीक है। ओके तो देन इसके बाद आपको अपने पीएनजी को इस तरीके से अपने करेक्टर के नीचे पीएनजी को सिलेक्ट करके नीचे डाउन कर देना है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर आपको एंड आइकन पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है, एंड पीएनजी को हल्का सा बड़ा करके अपने करेक्टर के पीछे ऐड कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा करेक्टर के पीछे ग्लोइंग पैड आ जाए इस तरह का। ओके तो इसके बाद एम्प्टी लेयर को ओपन करके प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसके कॉपी क्रिएट कर लेना है, यानी कि डुप्लीकेट लेयर। देन इसके बाद आपको इसको डुप्लीकेट पीएनजी लेयर को सबसे ऊपर ले जाना है, ठीक है। एंड ऊपर ले जाने के बाद इसके बाद एंड पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है, एंड इसको हल्का सा छोटा कर देना है, ठीक है। एंड अगर आपका यहाँ पर इस तरह का लाइन इफेक्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके लिए आपको एंड पर क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर फेद आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे पर सर्कल वाला कलर पर क्लिक करके इसको सर्कल के टाइप में क्रिएट कर देना है इस तरीके से, ठीक है, जिससे हमारा पीएनजी के ऊपर बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। ओके तो यहाँ से डन करने के बाद ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसको अपने इस जगह पर ऐड कर देना है, ठीक है। एंड फिर से और एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है, एंड इसको अपने करेक्टर के लेफ्ट साइड पर ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पर डन हो गया है। ओके तो गाइस फाइनली मैंने एक तरफ का अपने करेक्टर पीएनजी के ऊपर लाइट इफेक्ट को क्रिएट कर चुका हूँ। तो इसके बाद आपको एम्प्टी लेयर को ओपन करके प्लस आइकन पर क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना है, और अपने इस तरह के करेक्टर पीएनजी को सेम इसी तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके तो यहाँ पर मैंने इस तरफ का करेक्टर को भी ऐड कर लिया हूँ। तो इसके बाद फिर से एम्प्टी लेयर को ओपन कर लेना है, और इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके एक पीएनजी को ऐड कर देना है, जो कि एक शैडो पीएनजी होगा। तो फोटो लेयर पर क्लिक करके उस पीएनजी को ऐड कर देना है, ठीक है। एंड इसको अपने फोटो के थंबनेल के नीचे ऐड कर देना है, एंड यहाँ से राइट क्लिक करके एम्प्टी लेयर को ओपन कर लेना है। इसको आपको सेलेक्ट करके सबसे ऊपर कर देना है, ठीक है।
ओके तो गाइस यहां तक हो गया है। इसके बाद आपको एम्प्टी लेयर को ओपन करके प्लस आइकन पर क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करके अपने नेम को ऐड कर देना है। तो यहां पर मैंने नाम को पहले से एडिट करके रखा हुआ था, तो आप लोग भी एडिट करके रख देना। आप इसको पिक्सल अप या फिर पिक्सल में एडिट कर सकते हैं। तो इस साइट का नाम को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड इसके बाद एम्प्टी लेयर को ओपन करके फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करके भाषा वाला पीएनजी को भी ऐड कर देना है। एंड इसको अपने दोनों करेक्टर के बीचों बीच में ऐड कर देना है यहाँ पर। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारा पीएसएससी का काम खत्म हो गया है। इसके बाद हम अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड करके हल्का सा कलर ग्रेडिंग करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने थंबनेल पर कलर ऐड करना। बट इसके लिए तो सबसे पहले अपने फोटो को पीएसएससी में सेव करना है। इसके लिए ऊपर आपको डन पर क्लिक करके यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको शेयर वाला बटन पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना। एंड यहाँ से प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो फोटो हमारा फुल एचडी में सेव हो जाएगा। ओके तो गाइस चलो फिर लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। ओके तो लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने थंबनेल को ऐड कर देना है, ठीक है। एंड ऐड करने के बाद ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको लाइट आइकन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। और लाइट आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाईलाइट को हल्का सा कम कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद शेडो को भी हल्का सा माइनस कर देना है। एंड इसके बाद वाइट को आपको हल्का सा प्लस कर देना है एकदम हल्का सा, और ब्लैक को आपको हल्का सा माइनस कर देना है इसको भी, ठीक है। एंड इसके बाद कलर आइकन पर क्लिक करके यहाँ से वाइब्रेशन को आपको प्लस कर देना है। एंड इसके बाद आपको इफेक्ट आइकन पर क्लिक कर देना है। और इफेक्ट आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से क्लियरिटी को हल्का सा प्लस कर देना है, और डीएच को आपको हल्का सा प्लस कर देना है इसको भी। तो यहाँ से मैं टेक्सचर को भी हल्का सा प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद बिगनेट को आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर डिटेल्स आइकन पे क्लिक करके डिटेल्स को भी हल्का सा ऐड कर देना है। तो शार्पिंग को आपको प्लस कर देना है। देन इसके बाद नॉइस रिडक्शन देखने को मिलेगा नीचे पर, तो उसको भी आपको हल्का सा प्लस कर देना है। और नीचे पर आपको कलर नॉइस रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो उसको भी हल्का सा प्लस कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा बैनर एकदम हकाई टीवी के जैसा एडिटिंग हो गया है। आई होप कि आपको ये वाला एडिटिंग पसंद आ गया होगा, एंड आप लोग हकाई टीवी के जैसा एडिटिंग करना सीख चुके होंगे। एंड अगर आप इस तरह का और भी एडिटिंग देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना मत भूलना। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम फ्री होता है, तो कर देना गाइस, ठीक है। ओके तो अपने थंबनेल को फुल एचडी में सेव करने के लिए ऊपर आपको शेयर बटन पर क्लिक करके सेफ्टी डिवाइस कर देना, तो थंबनेल फुल एचडी में सेव हो जाएगा। ओके तो इस वीडियो को लास्ट बोनस हम बताएंगे आपको कि आप किसी भी एडिटिंग वीडियो को देख के एकदम परफेक्ट एडिटिंग कैसे सीखें। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है, ताकि एडिटिंग करते समय बार बार नेट ऑन करके एडिटिंग वाला वीडियो देखने को ना पड़े। और जब आप एडिटिंग करते हैं तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को एक बार देख लेना, फिर इसके बाद एडिटिंग करना, फिर इसके बाद वीडियो को देख लेना, फिर इसके बाद एडिटिंग करना। तो इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको एडिटिंग करते समय, क्योंकि एक बार वीडियो को देखने में एडिटिंग स्टेप बहुत कोई भूल जाता है, जो कि मैं भी भूलता हूँ। और अगर आपके पास दो मोबाइल है तो आप लोग एक मोबाइल में वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, और जब आप एडिट करेंगे थंबनेल या फिर लोगो या फिर बैनर को, तो उस समय एक मोबाइल में आप लोग वीडियो को प्ले करके रख देना, और जो भी वीडियो में स्टेप फॉलो हो रहा है आप लोग उस स्टेप को फॉलो करके अपने थंबनेल या फिर लोगो या फिर बैनर को एडिट कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, एक ना एक दिन तो सीख ही जाओगे आप लोग। तो आई होप आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन पसंद आ गया होगा। ओके तो गाइस चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगली किसी और एडिटिंग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।